हेलो मेरे दोस्तों, क्या आप एक स्मार्टफोन खरीदने वाले हो या स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि कौन सा फोन परचेस करें? तो मेरे दोस्तों, आप एक सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम लेके आए आपके सामने टॉप 3 ऐसे फोन जो आपको 25K के बजट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर के साथ, और ये फोन दिखने में भी काफी तगड़े लगते हैं। मेरे दोस्तों, इस टॉप 3 की लिस्ट को देखने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। सबसे पहले टॉप 3 की लिस्ट में नंबर 3 पर है Realme 11 Pro Plus। इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 6.62 इंच की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इस फोन में देखने को मिल जाएगी, और इस फोन का प्रोसेसर Dimensity 7050 के चिपसेट पर वर्क करने वाला मिलेगा। इसके साथ साथ कैमरा इस फोन में 100 मेगापिक्सल का OIS कैमरा दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 2 मेगापिक्सल का इसमें माइक्रो कैमरा देखने को भी मिल जाएगा। अब इसकी बैटरी के बारे में मैं बताऊं तो 5000mAh की आपको इस फोन में बिगर बैटरी देखने को मिल जाएगी। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर 24K के बजट में देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पर हमारे इस फोन के लिस्ट में है पोको X5 Pro। इस फोन की डिस्प्ले 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को आपको मिल जाएगी। प्रोसेसर में इस फोन में भी Dimensity 7050 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, और कैमरा इस फोन का 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का वाइल्ड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, और उसके साथ साथ आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। इसकी बैटरी भी मेरे दोस्तों 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है Redmi Note 12 Pro। Redmi नाम सुन के आप लोगों को बहुत ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये कंपनी प्रोसेसर के मामले में सबसे आगे चल रही है। इस फोन की डिस्प्ले 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर इस फोन के अंदर होगा MediaTek Dimensity 1080, और कैमरा इस फोन का 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइल्ड कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो भी इस फोन में दिया गया है। और फ्रंट कैमरे की मैं बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, और बैटरी की मैं बात करूं तो 5000mAh की बिगर बैटरी इस फोन में देखने को मिल जाएगी। पोको X5 Pro फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको 23000 के करीब देखने को मिल जाएगा, और Redmi Note 12 Pro वो भी आपको Flipkart के ऊपर 24K के करीब देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों, कमेंट सेशन में जरूर बताना, और इन 3 फोन में से हो सके तो एक फोन परचेस जरूर करना अगर आप फोन खरीदने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।